खीर पूरियां बना रही हूँ। देखिए चोबे के आधी किलो मैदा है, ये आधी किलो शक्कर है। देखिए मैं खीर में डाल रही हूँ आधी आधी, बोले तो इसमें पूरियों में डाल रही हूँ। बताती हूँ मैं आपको, ये 2 छटाक चावल है खीर में डालते सो, आधी छटाक बोले तो काजू है, भिगा ली थी मैं इसको 2 घंटे पहले भिगा ली। ये बोले तो छटाक डालना है, देखिए डालना घी है। ये 1 गिलास दूध है आटा भिगाते सो। ये 2 बट्टी के हिसाब से खोपरा है, देखिए अप्पो। 2 छटाक बादाम है, 1 छटाक बोले तो काजू है, देखिए। ये बोले तो चिरौंजी है आधी छटाकू, पिस्ता आधी छटाक है। ये 2 चमचे इलायची पाउडर है, मैं 1 चमचा पूरियों में ले रही हूँ, 1 चमचा खीर में ले रही हूँ। देखिए तो मैं 1.5 लीटर दूध चूल्हे पे रखी हूँ, बताती हूँ मैं आपको, आगे तक मेरा वीडियो देखिए। इधर चूल्हे पे दूध चढ़ाई, देखिए 15 मिनट होगा, दूध अच्छा पक रहा। देखिए 2 लीटर दूध रहे तो 1.5 लीटर होगा, देखिए दूध ये। अब मैं ये बासमती चावल 2 घंटे पहले भिगा ली थी, देखिए बासमती चावल है, इसमें काजू है। देखिए ये मेरी दादी की रेसिपी है, देखिए मेरी दादी बचपन में बनाते थे तो बहुत मज़े की खीर रहती थी ये पूरियों के साथ। जैसा उन्होंने कटोरों में डाल के देते थे ना, खाए तो बहुत मज़े की होती थी। देखिए तो ये जैसा जैसा दूध पकता ना तो चावल मोटा रहता, देखिए दूध में और चावल में जब पकते तो बहुत मज़े की होती। तो इसके अंदर खोपरा है, देखिए पिस्ता बादाम, और बोले तो इसके अंदर केसर है, देखिए केसर भी थोड़ा डाली। देखिए तो आधा चमचा मैं इसके अंदर इलायची पाउडर डाली, तो धीमा कर दी देखिए चूल्हा, तो आधी लीटर दूध इसमें खपा दी। देखिए मैं तो लाल होगा दूध, तो मैं ये 1.5 लीटर के हिसाब से इसमें 1.25 किलो शक्कर डाली। देखिए अगर आप लोग मीठा और ज़्यादा खाना खाते आप लोग तो और ज़्यादा डाल सकते हैं, तो मैं ये दूध के हिसाब से डाली, देखिए 1.25 किलो को और थोड़ा कमीज डाली मैं। तो इसके अंदर 1 चमचा असली घी डाली, देखिए मैं तो इसको धीमे चूल्हे पे रखी। देखिए और चावल के साथ ये खीर और पके तो और मज़े की गाढ़ी होती, देखिए। तो अब मैं धीमे चूल्हे पे इसको ऐसा पकाई, देखिए इतनी गाढ़ी हो गई, देखिए तो पूरियों के साथ बहुत ज़बरदस्त होती। मैं चूल्हा बंद कर डाली, देखिए इसको बंद करके चूल्हा धीमे चूल्हे पे उधर रखी थी, तो मैं अब चूल्हा बंद करी। उसके बाद मैं इसमें 1 चमचा असली घी डाली, देखिए। तो ये नारियल को मैं घस ली थी, देखिए ऐसा बारीक बारीक को। तो चूल्हे धीमे चूल्हे पे इसको भून रही हूँ, देखिए मैं लाल हो रहा, देखिए चूल्हा तेज़ नहीं करना। इसमें पिस्ता करौंजी फिर बोले तो इस बादाम बारीक कट कर ली, देखिए मैं ऐसी चू, तो ज़्यादा मैं बारीक नहीं कट करी, थोड़ा मोटा मोटा कट करी। देखिए तो जब पूरियाँ खाते ना तो खाने में बहुत अच्छा दिखता है ये। तो अब मैं इसके अंदर कटोरे में ठंडा होने देती है, इसके अंदर आधा चमचा मैं इलायची पाउडर डाली, देखिए तो बारीक पीस ली थी मैं। तो इसमें 1.25 किलो शक्कर डाली, देखिए अगर आप लोग आप शक्कर अपने हिसाब से डाले ना, बहुत जने इसमें मीठा खाते बहुत जने फिक्का खाते। देखिए तो मैं 1.25 किलो शक्कर डाली इसके अंदर, उतना मीठा हुआ ना उतना फिक्का हुआ, देखिए इतने ये नारियल को इसको उसको पूरा बराबर होगा। तो मैं इसको पूरा हाथ से पूरा अच्छा मिला ले लूँ, देखिए इसको। तो अगर हाथ से नहीं मिला तो आप चमचे से भी मिला ले सकते हैं। तो अब इसको बाजू में रख डाली, देखिए पूरा मिला के मैं इसको साइड में। तो फिर इसके अंदर मैं मैदा आधी किलो मैदा ली थी, देखिए आधी किलो मैदे में इसमें 2 छटाक मैं डारला ली, इसके अंदर 2 छटाक डारला लेके हाथ से अच्छा ऐसा मिला लेना। देखिए पूरा डारले को पहले मिला ले के, अगर आप पर डारला अगर नहीं डाले तो तेल से तेल भी डाल सकते और इसके अंदर असली घी भी डाल सकते। तो मैं इसमें 1 गिलास दूध ली थी, देखिए तो दूध जितना लगता अपने को वो हिसाब से मैं 1 गिलास अगर इजाफा हुआ तो रख देती हूँ, उसको कम पड़ा तो और थोड़ा लेती हूँ। देखिए तो इसको अच्छा मिला लेना, देखिए आटे को जितना हो सके उतना मिला लेना। तो फिर मैं इसमें 1 चमचा ऊपर से असली घी ऐसा आटे को लगा रही हूँ, देखिए इसको 1 घंटा भिगा दे के मैं इसको अच्छा कपड़ा लगा के रख देती हूँ। देखिए 1 घंटा पहले भिगा दी मैं इसको, 1 घंटे के बाद निकाल के बताती हूँ मैं आपको। तो ऐसा कपड़ा ढापना, देखिए पूरियाँ जब बनाते ना तो आटे पे कपड़ा ढापे ना तो नरम रहता है, देखिए आटा। अगर अपन वैसे छन्नी ढापे अगर रिके भी ढापे तो बाजू से फ्यान का वो लग के तो पूरा सुक्का सुक्का होता। ये देखिए जितना हो सके उतना उसको अच्छा मिलाना, देखिए उसको 1 घंटा पहले अच्छा मिला के रख दी। इसमें पानी का खतरा नहीं डाली, देखिए पूरियों में मैं आटे में जितना अपन घी से तेल से और असली घी से भिगाते दूध से भिगाते ना, पूरी जब हो दांतों से भी नहीं होठों से भी खा सकते, देखिए वैसा रहता। तो मैं छोटे साइज़ के पेड़े कट करके बता रही हूँ, देखिए अगर आप लोगों को बड़े पूरियाँ होना रहे तो बड़े बड़े भी बना सकते हैं। तो मैं ये हिसाब से बना रही हूँ, देखिए ये देखिए ऐसा। तो मैं बेल के बता रही हूँ मैं आपको, ऐसा ये पूरी जितनी पतली हुई ना तो उतना अच्छा रहता है, देखिए तो कच्ची भी नहीं रहती जब तलते हो तो अपन,
और बोले तो एकदम अंदर से भी कच्चापना नहीं रहता, ऊपर से भी कच्चापना नहीं रहता। देखिए तो मैं पतली, ये देखिए ऐसा बेल रही हूँ, देखिए ये देखिए ऐसा अलग अलग करके ये पेड़ों को ऐसा कर रही हूँ। पेड़ों को भी कपड़े के नीचे रखना, देखिए नहीं तो सूख जाते। अपन फ़ैन खोलते, फ़ैन से हवा से क्या है पेड़े भी सूख जाते। तो इसके अंदर डाला अपना असली घी रहता ना, तो आटा नरम रहता है देखिए। तो अब मैं ये चोबे को क्या कर रही हूँ, पूरा ऐसा चमचे से और मिला रही हूँ उसको, नीचे ऊपर मिला के ये साइड में डालना है। देखिए इधर साइड में ऐसा डालना, ऐसा एक तरफ पानी लगाना, अगर दो तरफ भी लगाए तो लगा सकते हैं। मैं पीछे भी लगा रही हूँ, सामने भी लगा रही हूँ, देख रही है तो पूरी खुलती नहीं देखी है। तो ऐसा मेरे पास ये पूरी का सांचा है, तो मैं सांचे से कट कर रही हूँ, नहीं तो हाथ से भी बना सकते, हाथ से भी उसको डिज़ाइन बना सकते देखिए। तो ऐसा मैं दबा रही हूँ, देखिए पानी डाल के ऐसा उंगली से अच्छा दबा के ये सांचे से ऐसा कट करना है। ऐसा ये मेरी शादी का है तो मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ देखिए। तो बहुत जनों के पास नहीं भी रहता तो हाथ से भी करना। ये देखिए ऐसा निकाल लेना, ऐसा ये साइज़ की बनाई देखिए मैं, ऐसा इसको भर के। तो फिर मैं दूसरी भी बता रही हूँ देखिए, सेम ऐसे जो बहुत जनों को क्या रहता, इसको बीच में डालते, बीच में जाने डालने के साथ ही जो पूरी जब कढ़ाई में डालते ना तो खुल जाते, वो बीच में डालने के साथ ही एकदम पानी भी नहीं लगाते देखिए वो हिसाब से। तो इधर साइड से कट कर लेना देखिए, ज़्यादा बीच में जाके नहीं कट करना। इसको सांचा रहता ना, सांचे से इसको सांचा भी बोलते हैं, फिरकी भी बोलते देखिए इसको, हमारे हिसाब से इसको फिरकी बोलते हैं, बहुत जने सांचा बोलते। मैं बना ली देखिए, पूरा बना के पूरा इसको साइड में ऐसा बाजू में ऐसा रखी, उसको रख के अब मैं तल के बताती हूँ आप लोगों को। ये देखिए थोड़े बड़े बने ही, मैं थोड़े छोटे बने देखिए। तो अब मैं तेल को कढ़ाई में, ये मेरी कढ़ाई बहुत मोटी है देखिए, तो पतले कढ़ाई भी रहते हैं। तेल अच्छा गर्म हो गया बाद उसको मैं धीमा कर दी थी चूल्हे को, ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालना देखिए पूरियाँ, नहीं तो अंदर से कच्चे रहते। तो मीडियम इस पे बोलते नहीं, मीडियम चूल्हा करके तलना देखिए, तेल गर्म हो गया बाद। अगर अपन ज़्यादा तेल में एकदम तले ना तो अंदर से पूरी कच्ची रहती, तो ठंडे तेल में तलते जाना देखिए, एकदम चूल्हा कम कर देखिए। तो ये कढ़ाई मेरी बहुत गर्म है और मोटी है मेरी कढ़ाई, तो मैं उसको चूल्हे को धीमा कर दी एकदम तेल गर्म होने के साथ ही। बहुत कढ़ाई पतले रहते ना तो चूल्हा कम करने से तो तेल ठंडा हो जाता, इसमें कम से कम 10 मिनट तो भी ठंडा रहता देखिए, तेल गर्म रहता, ठंडा नहीं रहता, गर्म रहता तेल होगा देखिए। लाइक और शेयर करिए फराना कुकिंग को।